नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल एडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से बम ब्लास्ट हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10 सैनिक भी मारे गए हैं और कम से कम 40 से 50 लोग जो हैं वो इसमें जख्मी भी हैं, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो धमाका हुआ ये बम ब्लास्ट हुआ था, और क्योंकि पाकिस्तानी जो सरकार है वो नहीं चाहती कि एक बार फिर से पाकिस्तानी सरकार की पूरी दुनिया में जगहंसाई हो, तो उसने इस चीज़ को बम ब्लास्ट से लेकर अब उसको जो गैस पाइपलाइन है उसका ब्लास्ट बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ एंकरों का ये कहना है कि ये बम ब्लास्ट है। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो एक बार फिर से TTP जो है वो यहाँ पर सामने आती हुई नज़र आ रही है, और TTP का कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि TTP का कहना ये है कि इस बम ब्लास्ट के पीछे भी उनका हाथ है। दोस्तों आपको पता है कि जिस प्रकार से TTP ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी और कहा था कि हमारा जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक कुछ दिनों के लिए संबंध था कि वो न उनके लोगों को मारेंगे और न पाकिस्तानी आर्मी TTP के लोगों को मारेगी, लेकिन उन्होंने खुद ही ये सब संबंध जो है वो तोड़ दिया और कहा कि आज से फिर वही होगा जो कि आने वाले दिनों में पहले हो रहा था। तो दोस्तों इसी के बाद से ये जो बहुत बड़ी यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक करो, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल HD को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर धमाका हुआ था, आपसे गुजर कर जहाँ पर इस वक्त मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये जो वही बैंक है जहाँ पर ये धमाका हुआ, आप देख सकते हैं कि इस बैंक का जो अंदरूनी हिस्सा है वो उसकी बाकायदा शटरिंग तक नजर आ रही है, उसकी पूरी जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो तक फट गई है, और इसकी आप देख सकते हैं कि ये बैंक बनी भी बिल्कुल नाले के ऊपर है। तो इम्कान ज्यादातर ये जाहिर किया जा रहा है कि इसी वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ये कहीं गैस लाइन की वजह से तो ये धमाका नहीं हुआ। तमाम अभी भी तफ्तीश की जा रही है, इस वक्त पुलिस रेंजर्स और दीगर रेस्क्यू टीमें मौजूद है, आला अफसरान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इस बैंक का आप देख सकते हैं कि जो जनरेटर है वो जनरेटर तक बिल्कुल टेढ़ा हो गया और वो बाहर आ गया है, और साथ साथ जो इमारत का जो की जो दीवार थी अंदरूनी जो हिस्सा दिखा रही थी वो पूरी बाहर आ चुकी है। रेस्क्यू दार इस वक्त मौजूद है, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी यहां पर मौजूद है, आला अफसरान भी पहुंच चुके हैं, और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो इस वक्त यहां पर मौजूद है जो कि शवायद इकट्ठे कर रही है। ज्यादा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था। अगर जख्मियों की बात की जाए तो जख्मी जो है वो इस वक्त जेर इलाज अस्पताल में 10 अफराद जो है वो जांबाक हो चुके हैं, जिनमें 3 जो है वो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनमें जीशान है, शफीउल्ला है और मुनवर है जो कि इसमें जांबाक हुए हैं। साथ साथ मजीद जो जख्मी इस वक्त अस्पतालों में लाए गए हैं उनको उनका इलाज भी जारी है, टीमें भी मौजूद हैं, ताहम तहकीकात भी की जा रही है कि धमाका आखिर किस चीज का था। लेकिन जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक हमें यहां पर जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये गैस लाइन की वजह से हुआ, लेकिन हतमी जो जो शवायद के बिना पर जो वो पुलिस की रिपोर्ट होगी वही फाइनलाइज होगी, वही आखिरी वर्जन होगा पुलिस का कि धमाके की जो जख्मी है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उन जख्मियों की हालत कैसी है, उनमें से किसी से बात हुई आपकी? जख्मी इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद है और हम चुके जाए वहां पर मौजूद है, जो जख्मी वहां पर मौजूद है हमारे जो अस्पताल के जरा है वो ही बताते हैं कि 3 की हालत बताया जा रहा है कि अभी भी तशवीशनाक है, बाकी जख्मी उनको कुछ ज्यादा जख्म आए हैं लेकिन कुछ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे चूंकि उनको ज्यादातर। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोनिस अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि ट्रामा सेंटर में मौजूद है। मोनिस, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या सूरत हाल है यहाँ पे, हमें आगाह कीजिएगा प्लीज। वीडियो करवा लो। ओके ठीक है, वीडियो मोनिस से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अफसोसनाक आज ये वाकया पेश आया जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। गुलहाय शेरशाह पराचा चौक पर धमाका हुआ, अब तक 11 अफराद जांबहक हो गए हैं और 12 अफराद जख्मी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर में मोनिस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मोनिस, आप तक आवाज आ रही है तो बताएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल जैसे ही इत्तला मिली थी इस धमाके की उसके फौरन बाद यहाँ पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई थी, और जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पे जो इमला मौजूद था उनको भी, और जो मौजूद नहीं था गैर हाजिर था उनको भी फौरी तौर पे तलब कर लिया गया था। इस वक्त तक जो इत्तला है तक 11 हलाकतें हो गई हैं। ट्रामा सेंटर के जो इंचार्ज है साबिर मेमन, उनका ये कहना है कि 11 अफराद की डेड बॉडीज यहाँ पर लाई गई हैं जिनकी शनाख्त का अमल जारी है, जबकि 13 अफराद जो हैं वो जख्मी हालत में यहाँ पर लाए गए हैं जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा
जा रही है। तकरीबन कुछ के बारे में बताया जा रहा है, तकरीबन 3 से 4 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तश्वीशनाक है। बाकी अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं ड्रामा सेंटर में, जिनको इस वक्त जो है रेस्क्यू सर्विसेज दी जा रही हैं। यहाँ पे इंतहाई जो हंगामी सूरत हाल फौरी तौर पर यहाँ पे हमने देखा था कि नाफिस कर दी गई थी, क्योंकि जो भी हमला मौजूद था और जो हमला गैर मौजूद था उनको भी यहाँ पर तलब कर लिया गया था। एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है ड्रामा सेंटर इंतजामिया की जानब से जख्मियों की, जिसके मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरशद, गुलाम अकबर, जमील अहमद, अब्दुल गफ्फार, हम्माद, रियाज महमूद, कश्मीर खान, सुबह खान, अब्दुल वहाब, वल्दियत हमजा, ये अफराद हैं जो कि जख्मी अफराद यहाँ पर लाए गए हैं। जबकि जो डेड बॉडीज़ लाई गई हैं उनकी भी शनाख्त का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो ट्रामा सेंटर के इंचार्ज है साबिर मेमन, उनसे जब मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका ये कहना है कि जो जख्मी लाए गए हैं उनमें कुछ की हालत तश्वीशनाक है। ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जिनके सर पे और चेहरे पे ज़्यादा चोटें आई हैं और उनको इस वक्त ट्रीटमेंट ट्रामा सेंटर में दी जा रही है। अभी कुछ लम्हों पहले ही यहाँ पर एम्बुलेंस आई है जो डेड बॉडी लेकर आई है। तो इस वक्त जो टोटल हलाकतें हैं, जो टोटल डेड बॉडीज़ है ट्रामा सेंटर में, उनकी तादाद 11 हो गई है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बुलेंसेज मौजूद थी जो कि जख्मियों को लाई थी और अब अच्छा मुझे सीधे बताएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं 3 से 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तश्वीशनाक है, तो क्या यहाँ पे तमाम तर तिबी सहूलियात मौजूद है या यहाँ से किसी और अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा इन्हें? नहीं, देखिए इंतजाम तो तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी अंडर ट्रीटमेंट रखा गया है। उनकी फौरी तौर पे जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लवायकीन या जो यहाँ पे किसी के भी अहले खाना है उनकी तादाद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा इस धमाके को। इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर पूछते हुए पहुँचे ज़रूर हैं अपनों की शनाख्त के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको शनाख्त यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अगर वो बेहतर समझेंगे तो ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया, उनका ये कहना है कि इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, फौरी तौर पर यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया था, जो हमला मौजूद था उनको अलर्ट जारी किया गया था। जो यकीनन पहुँचेंगे अपने प्यारों के लिए, जी बिल्कुल, यहाँ पे हेल्प डेस्क क्राइम करने की बात की गई इंतजामिया की जानेब से, क्योंकि ये लिस्ट जो जारी की गई है ये हम तक पहुँची है मीडिया के नुमाइंदों तक, लेकिन यहाँ पर जो हेल्प डेस्क क्राइम की जाएगी वहाँ पे आवेजा की जाएगी। कोई भी लवाहकीन, कोई रिश्तेदार किसी भी मरीज के यहाँ पर आते हैं तो फौरी तौर पर उसको जो डिटेल्स हैं वो फराम की जा सकेंगी। अब तक जो हमें लिस्ट फराम की गई है उसमें मैं एक मरतबा फिर नाम हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि रेंजर्स भी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद हैं और एम्बुलेंसेस भी वहां पर मौजूद हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है, और क्या मजीद किसी हादसे से बचने के लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं वहां पे? देखिए रेंजर्स वहां पर पहुंची हुई है, पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है, दीगर इदारे जिसमें चीफ ऑफ रेस्क्यू है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उस मुकाम को तो कॉर्डन किया गया है, वहां पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे अगर कोई शख्स मौजूद है तो उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल जिसे वाजे नहीं हो रही है। बीडी को भी जो है मौके पर रवाना कर दिया गया है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद ऑब्जर्व हो सकेगी, लेकिन अभी तक ये जख्मियों के वाले से बारे बताया जाए ऐसे बताया जा रहा है कि जख्मियों की तादाद में जो है इजाफा हो रहा है। अभी चीफा की जानब से जो है जिन्होंने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि हलाकतों की तादाद जो है 4 हो चुकी है। 4 जो है जख्मी, वो बता रहे हैं कि 4 जख्मियों को उन्होंने सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है, जबकि 4 बॉडीज को भी जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर चुके हैं। तो जख्मियों की तादाद और हलाकतों की तादाद में जो है इजाफा हो जा रहा है। पहले 5 जो है जख्मी बताए गए थे, लेकिन अब 4 हलाक और 4 जख्मी बताए जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक हादसे में हुए हैं, और उनके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा चुके हैं, दीवारें फटी हैं, बाहर की तरफ गिरी हैं, तो मलबे के अंदर मुमकिन होगा कि कोई जख्मी अभी मौजूद हो तो उसको जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है और दीगर जो हमारे सिविल इदारे हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। सही है, एहतशाम अज़र आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो छीवा के अहलकार हैं जो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं उनके मुताबिक अभी तक 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अभी तक सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है और 4 को मजीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है जिनकी हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है।
और धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं और अभी भी बहुत सारे अफराद हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और उन्हें मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और वहां पर दीगर मोटरसाइकिल्स खड़ी थी। बैंक के एतराफ में जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है और बैंक की दीवार, जैसा कि हम फुटेज में भी देख सकते हैं, दीवारें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं और जो एतराफ में वाकई दुकानें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। करीब ही में एक पेट्रोल पंप भी है जहां तक जो है वो इस बम धमाके के असरात गए हैं। धमाके के फौरी बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी है जो इस वक्त मौके पर मौजूद है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी ये तयन किया जा रहा है कि धमाका किस नौयत का था। धमाका बारूदी मवाद से किया गया, सिलेंडर धमाका है ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो भी धमाका हुआ है शदीद नौयत का धमाका ये बताया जा रहा है, जिससे बैंक की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है और जाय वकुआ को घेरे में ले लिया है। इस वक्त वो तमाम तर इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि इस वक्त फुटेज में भी देखा जा सकता है छीपा के अहलकार वहां पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि सिविल अस्पताल कराची के अंदर भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बंस वार्ड के अंदर भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।